नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। सोनीपत के गांव जठेड़ी में अवैध निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। बदमाशों के अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। पंचायती जमीन में बनी 8 दुकान मकान पर चलाया बुलडोजर। सोनीपत एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार, डीटीपी और पुलिस डीएसपी की अगुवाई में हुई कार्रवाई। मौके पर भारी संख्या में रहा पुलिस का बल। इस गांव में किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और कितना एरिया बताया गया? आज जठेड़ी गांव में कंट्रोल एरिया में कार्रवाई की गई है और ये 8 दुकानें थी और हमने इनको बकायदा कंट्रोल एरिया में नोटिस दिए थे। 30/9/2022 को 100 काल नोटिस दिया था और आरओ दिया था 4/10 को और ये पीडीपीओ को दिया था हमने, क्योंकि ये पंचायती लैंड है और पंचायती लैंड पे कब्जा है और पीडीपीओ साहब ने बोला था कि हमें कोई एतराज नहीं अगर आप कंट्रोल एरिया में कार्रवाई करते हो, क्योंकि हम मलकियत उनकी थी, हम मलकियत के तहत ही नोटिस देते हैं। सर, बात करें तो ये कितना एरिया है और साथ में किसके द्वारा कब्जा किया गया था? ये 15 फुट बाय 70 फुट की 7 दुकानें थी जो कि इंक्रोचमेंट की हुई थी और एग्जैक्ट एरिया वीडियो साहब बताएंगे कितने पे कब्जा था, नजायज कब्जा बताया गया था और ये उनकी कार्रवाई बनती है। बाकी कंट्रोल एरिया में हमने नोटिस दिए थे और कंट्रोल एरिया के तहत ये कार्रवाई की गई है। सर, बात करें किसके द्वारा ये कब्जा किया गया था, जानकारी कौन था इस पे जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था? कब्जा के बारे में मुझे नहीं पता कि कब्जा के बारे में पीडीपीओ साहब स्पष्ट करेंगे, क्योंकि पीडीपीओ ने उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है और वही बता सकेंगे इस बारे में। मैंने तो नोटिस दिया, पीडीपीओ साहब को दिया था कि पंचायती लैंड पे जो जमीन पे आपने निर्माण किया है वो निर्माण भी कंट्रोल एरिया के तहत परमिशन लेनी होती है, तो उन्होंने जवाब में बोला कि हमें हटाने के लिए कोई एतराज नहीं और आप हटा सकते हो। किसी प्रकार का कोई विरोध तो नहीं हुआ सर? अभी विरोध नहीं हुआ है। एक बार नाम और पद बता दें सर आपका प्लीज। नाम मैं डीटीपी तेजराज सोनीपत। की कार्रवाई जो है आज अमल में लाई जा रही है, किसकी प्रॉपर्टी थी, किस प्रकार से अवैध कब्जा किया गया था? ये डीटीपी द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो कंट्रोल एरिया में ये प्रॉपर्टी पड़ती है और मुझे माननीय उपायुक्त महोदय डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सर, बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है किसी गैंगस्टर के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था पंचायती ज़मीन पर, कोई ऐसी जानकारी? इसकी सारी डिटेल्स डीटीपी साहब बता पाएंगे हम, मैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। कितना एरिया जो है आज गिराया गया सर, लगभग एवरेज? जो भी संबंधित टेक्निकल डिटेल्स डीटीपी साहब। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।